किसानों, बेरोजगारों और अल्पसंख्यकों की मांगों को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करते हुए केंद्र व योगी सरकार को घेरने का काम करेगी। साथ ही भाजपा को हराने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ संघर्ष भी करेगी। इस बात की जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामनरेश यादव ने दी। किसानों की समूचे उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, तमाम किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हैं, तमाम लोग पलायन कर रहे, कोई साधन नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, गरीबी की एक इंतहा हो गई, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं। चुनाव आ जाता है, किसान याद आ जाते हैं, चुनाव चला जा खत्म हो जाता है, किसानों को लोग भूल जाते हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि जिस देश की हम समझते हैं इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बेस हो और जहाँ के 70% से ऊपर लोग उस पर निर्भर रहते हों, चाहे किसान के रूप में चाहे खेतिहर मजदूर के रूप में, आज दिन तक इतनी सरकारें नहीं, लेकिन आज दिन तक किसान नीति नहीं बनाई गई, आज दिन तक वो कमीशन आज तक गठित नहीं हुआ।